हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं IAS PCS प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग इस तरह के 22 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 23वां टेस्ट है। याद रखिए, अगर आप लोगों ने पुराने टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं आप लोग, जो जनरल स्टडीज के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इस प्रकार की वनस्पति गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। औसत वार्षिक तापमान इसका 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। वार्षिक वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। रोजवुड, आबनूस और महोगनी इस वनस्पति में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किन वनों की हैं? तो याद रखना है ये विशेषताएं किस तरह के वनों की हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वनों की, नहीं है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन की, ये भी नहीं है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन होगा। पहले में क्या होगा, सी ऑप्शन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की ये सभी ऊपर दी गई जो विशेषताएं हैं वो हैं। याद रखिए, आपकी जो भी PDF होती हैं वो टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। क्वेश्चन दूसरा क्या है, भारत में वन आवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। लक्षद्वीप में शून्य वन आवरण है, सही बात है। 10% से कम वन क्षेत्र वाले ज़्यादातर राज्य देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित हैं, ये भी सही है। वनी खजूर, नीम और खैर उष्णकटिबंधीय है, पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं, ये आपका गलत है। इसमें आपका एक और दो कथन सही है, तीसरा गलत क्यों है? तो तीसरे में सही होगा आपका, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसमें दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये वन वर्ष के अधिकांश समय पत्तियाँ रहित होते हैं, झाड़ियों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इनमें आपके बबूल, खजूर, खैर, नीम आदि यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं। दूसरे में आपका सी ऑप्शन था सही, एक और दो। क्वेश्चन है आपका तीसरा क्या है, पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है। हिमालय में शीतोष्ण वनों को 16 वन कहा जाता है, यह आपका गलत है। चीड़, पाइन, देवदार, सनोवर आदि हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं, ये आपका सही है। काई और लाइकेन टुंडा वनस्पति की प्रजातियां हैं, ये भी सही है। हिमालय के उत्तरी ढाल की अपेक्षा दक्षिणी ढाल पर वनस्पति घनत्व अधिक होता है, ये आप सही है। इसमें केवल आपका एक कथन गलत है, बाकी 2, 3, 4 सही है। एक में आपका सही क्या होगा आखिर? तो याद रखें, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों कि समशीतोष्ण वनों को 16 वन कहते हैं, ना कि हिमालय के। किन्हें कहते हैं? नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों के समशीतोष्ण वनों को हम 16 वन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका होगा 2, 3, 4, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 4, भारतीय प्राकृतिक वनस्पतियों वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस पॉइंट को हर समय पकड़ कर रखिए, सही नहीं है या सही है पूछता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या पूछा है, सही नहीं है। साल आद्य पर्णपाती वनों में पाया जाता है, सही है। क्या जो इरिना मुख्यतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। देवदार शंकुधार वृक्षों की एक प्रजाति है, ये भी सही है। 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। इसमें देख ही चुके हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों के समशीतोष्ण वनों को हम लोग 16 वन कहते हैं। तो
तो इसमें चार में आपका कौन सा गलत होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार का आंसर होगा डी। क्वेश्चन है पांच, क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंगो, सदाबहार और पर्णपाती वनों का सम्मिश्रण पाया जाता है? तो आपको याद रखना है, ये पाया जाता है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्या होगा पांच का? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है अगला छठवा, क्या है? निम्नलिखित राज्यों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। उपयुक्त में से किस राज्य, किन राज्यों में उष्ण कटिबंधीय आद्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते, मिजोरम में पाए जाते हैं। तो इसमें एक और तीन सही होगा, एक और तीन आपका सही होगा, ठीक है। आपके जो उष्ण कटिबंधीय है आद्र सदाबहार वन भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। ये वन सबसे अधिक उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा शुष्क ऋतु अत्यंत छोटी होती है, ठीक। तो इसमें आपका एक और तीन सही था, यानी कि सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है आपका सात, वर्षा आधारित कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्य रूप से उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। ये आपका गलत है। आद्र भूमि कृषि सिंचित और वर्षा आधारित दोनों तरह की कृषि क्षेत्र में की जाती है। ये भी आपका गलत है। यानी कि सात के आपके दोनों ऑप्शन गलत हैं। क्या है? दोनों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या पूछा था? सही नहीं है पूछा था। तो इसमें एक और दो दोनों हो गए। फसलों के लिए आर्द्रता के मुख्य स्रोत के आधार पर कृषि भूमि को सिंचित और वर्षायुक्त कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर सिंचित खेती की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक सुरक्षात्मक और एक उत्पादक। सुरक्षात्मक सिंचाई का उद्देश्य मिट्टी में नमी की कमी के प्रतिकूल प्रभाव में से फसलों की रक्षा करना, जिसका मतलब है अक्सर सिंचाई जल के पूरक स्रोत के रूप में और वर्षा से अधिक होती है, अर्थात सिंचाई का महत्व वर्षा जल से अधिक है। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम संभव क्षेत्र की मिट्टी को नमी प्रदान करना है। भारत में शुष्क भूमि के कृषि मोटे तौर पर 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है। वर्षा ऋतु के दौरान आर्द्र भूमि की मृदा में आवश्यक नमी की अपेक्षा ज्यादा नमी आ जाती है। ऐसे क्षेत्र बाढ़ और मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में जल गहन फसलें जैसे जूट, धान, गन्ना आदि पैदा की जाती हैं और ताज़ा जल निकायों में जलीय कृषि की जाती है। साथ में आपका सी ऑप्शन था, ठीक है, दोनों कथन गलत थे। क्वेश्चन है आठ, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। उत्तर पूर्व मानसून के दौरान खरीफ का मौसम होता है। इस दौरान चावल, कपास, ज्वार, बाजरा, जूट, तुअर जैसी उष्ण कटिबंधीय फसलों की खेती की जाती है। ये आपका गलत है। बाजरे की खेती देश के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी हिस्सों में गर्म एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। ये आपका सही है। मूंगफली मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली एक वर्षा आधारित खरीफ फसल है, लेकिन दक्षिण भारत में यह रबी के मौसम में भी उगाई जाती है। ये आपका सही है। यानी कि दो और तीन कथन आठ में सही है, कुछ कथन एक गलत है। इसमें आखिर सही क्या होगा? तो सुनिए, देश के उत्तरी तथा अन्य आंतरिक हिस्सों में तीन अलग अलग फसली मौसम देखने को मिलते हैं। पहला अपना खरीफ, रबी और जायद। खरीफ का मौसम मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आता है, ना कि उत्तर पश्चिम मानसून के दौरान, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान आता है। आठ में आपका दो और तीन कथन सही था। क्वेश्चन है आपका क्या है? नौ। निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों और उनके संबंधित राज्यों की पहचान कर सम्मिलित करना है। क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो इसमें नो क्रैक
आपका ये मेघालय, सिमली फाल, ये आपका है उड़ीसा, सेसाचलम आपका आंध्र प्रदेश, डिब्रू सिखुआ ये असम। ठीक है, एक बी, दो डी, तीन ए और चार सी, यानी कि इसमें आपका 9 में होगा डी ऑप्शन सही। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 10, क्या है? विश्व के शहरों में चट्टानों और पेड़ों पर पाई जाने वाली काई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। काई एक जैव सूचक एवं शहरी प्रदूषण को नियंत्रित करने वाली एक किफायती उपाय के रूप में कार्य करती है। सही है, काई अपने स्वरूप में परिवर्तन करके सघन होकर या फिर गायब होकर प्रदूषण के प्रति प्रतिक्रिया देती है, जिससे वैज्ञानिकों को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने में मदद मिलती है। ये भी आपका सही है, यानी कि 10 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, दोनों कथन सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा 11, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बाड़बंदी और मिश्रित खेती दोनों ही मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं। सही है, और नालिका अपरदन में विस्तार को सीढ़ीदार खेत बनाकर या वनस्पति रोपण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ये भी आपका सही है। शुष्क क्षेत्रों में कृषि वानिकी का उपयोग वाल्का टिब्बों द्वारा भूमि अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये भी आपका सही है, यानी कि 11 में आपका तीनों कथन सही होंगे। क्या होंगे? तीनों कथन सही होंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 12, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपनी जमीन पर केवल गैर वाणिज्यिक उद्देश्य से वृक्षारोपण करते हैं। ये आपका गलत है। सामुदायिक वानिकी भूमिहीन लोगों तक उन लाभों को पहुंचाती है जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। ये सही है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। इसमें एक गलत है आपका। फार्म वानिकी पद का तात्पर्य ऐसे वानिकी से है जिसके अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक पौधे का रोपण करते हैं। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारा 13, क्या है क्वेश्चन है 13 अगला? ये आपके वनों के प्रकार हैं और सही चुनना है हमें। ये वनों के प्रकार हुए और राज्य जहाँ भी पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। आद्य पर्णपाती वन उड़ीसा में, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन ये उत्तर प्रदेश में। यानी कि आपके तीनों कथन इसमें सही है। क्या है? तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन है हमारा 14, क्या है? वन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। वन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह राज्य के राजस्व विभाग के आंकड़ों पर आधारित होता है। सही है, यह वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्र है। ये आपका गलत है। लक्षद्वीप वन क्षेत्र 0% है। ये आपका सही है, यानी कि 14 में आपका 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। वन क्षेत्र राजस्व विभाग के अनुसार वैसे अधिसूचित क्षेत्र जहाँ हो चाहे वहाँ वृक्ष हो या ना हो। ठीक है, इसमें 14 में आपका 1 और 3 सही था, डी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका 15, क्या है? निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन से सम्मिलित नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें होगा आपका NW2, ये राष्ट्रीय मार्ग है। इसका विस्तार कोटापुरम कोल्लम में नहीं है। ये आपका गलत है। NW3 ये सादिया धुबरी है। ये भी गलत है। NW1 इलाहाबाद हल्दिया, ये सही है। NW4 काकीनाडा और पुदुचेरी की नहरें, ये भी सही है। तो इसमें आपके सही हैं 3-4 और गलत हैं 1-2, और इसमें पूछा क्या है? सुमलित नहीं है, सही नहीं है पूछा है। तो इसमें 15 में आपका क्या होगा? 1 और 2 कथन होगा, क्योंकि गलत कथन पूछा है। क्वेश्चन है आपका 16,
क्या है 16। कोंकण रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कोंकण रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह महाराष्ट्र में रोहाकुंड कर्नाटक में मंगलोर से जोड़ती है। सही है। इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है क्योंकि यह कई नदियों एवं प्रवाहों को पार करती है तथा इसमें पुलों और सुरंगों की संख्या बहुत अधिक है। ये भी आपका सही है, यानी कि 16 में आपका सी ऑप्शन होगा। दोनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन है हमारा 17, क्या है? नीलगिरी जैव मंडल निश्चय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। यह भारत का प्रथम जैव मंडल निश्चय, यह सही है। यह संकटपन्न जंतुओं की प्रजातियों और नीलगिरी तहरों शेरपूंछ बंदर का आवास है, ये भी सही है। केरल की अगस्तमलाई पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, ये आपका गलत है। यानी कि 1 और 2 कथन आपका सही है, तीसरा कथन आपका गलत है। क्या है? केरल में अगस्तमला पहाड़ियाँ अगस्तमला संरक्षित क्षेत्र के तहत आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या था? सही नहीं है। तो केवल आपका 3 कथन सही नहीं है, तो इसमें आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 18, क्या है? सड़क परिवहन बुनियादी ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण सुधार सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण का कार्य करता है, यह आपका गलत है। सेतु भारतम का उद्देश्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना था, ये सही है आपका। इसमें दूसरा कथन आपका सही है, एक आपका गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचागत विकास निगम, कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ढांचागत विकास निगम, याद रखिए, पूर्णतः सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की स्वामित्व वाली कंपनी है जो विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उनके सीमावर्ती राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण उन्नयन चौड़ीकरण का दीर्घकालिक स्तर पर काम करती है, ठीक है। इसमें आपका 18 में केवल 2 कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 19, क्या है? सड़कों का राष्ट्रीय राजमार्ग राजकीय राजमार्ग जिला मार्ग ग्रामीण मार्ग के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो याद रखना, नागपुर योजना 1934 के तहत। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 20, क्या है? टैंक सिंचाई सामान्यतः भारत के दक्षिण मध्य भागों में प्रचलित है, इसका क्या कारण हो सकते हैं? कम गहराई पर अपर्याप्त भूजल, सही है। चट्टानी पठारों के साथ कठोर एवं ऊबड़ खाबड़ भू सतह, ये भी सही है। मोड़दार भू सतह के चलते जमीन पर बने बड़े बड़े गड्ढे अथवा मानव निर्मित ट्रंकों में वर्षा जल का संग्रहण हो जाता है, ये भी सही है। यानी कि 20 में आपके 3 कथन सही है, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 21, क्या है? भारत में कृषि जलवायु विदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों के विकास का एक प्रमुख उद्देश्य कृषि के विकास में असमानता को कम करना है, सही है। कृषि जलवायु प्रदेश की रूपरेखा सामान्य तौर पर वाणिज्यिक उद्देश्यों पर आधारित होती है, ये आपका गलत है। क्या है? गलत है, ठीक है। इसमें केवल आपका 1 सही है। कृषि जलवायु क्षेत्र प्रमुख जलवायु के संबंध में एक भूमि की इकाई है जो कि निश्चित फसलों और किस्मों के लिए उपयुक्त है। इस योजना का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की स्थिति के को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना भोजन रेशा चारा और ईंधन की लकड़ी को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है। कृषि जलवायु स्थितियाँ मुख्य रूप से मिट्टी के प्रकार वर्षा तापमान पानी की उपलब्धता का उल्लेख करती हैं जो वनस्पति के प्रकारों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। इसमें आपका केवल 1 कथन सही था। क्वेश्चन है आपका 22, क्या है?
झारखंड के हजारीबाग में स्नेर गिद्ध देखा गया था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसका संबंध रूसी क्षेत्र से है, परंतु शीतकाल शीत ऋतु के दौरान यह गर्म क्षेत्रों की ओर प्रवास करता है। ये आपका सही है। इसे IUCN की लाल सूची के अंतर्गत सुबेद के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये आपका गलत है। स्नेर गिद्ध को IUCN की लाल सूची के अंतर्गत संकट निकट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसमें केवल एक कथन आपका सही था। क्वेश्चन है हमारा 23, क्या है? पांडा ब्रॉन्ड पद समाचारों में था किस लिए? तो ये था आपका चीन से ऋण प्राप्त करने हेतु, ये बॉन्ड से है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 24, क्या है? आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसका 107वां संस्करण बंगलोर में आयोजित किया गया, सही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में विज्ञान कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ये आपका गलत है, केवल एक कथन आपका सही है। 15 से 17 जनवरी 1914 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति माननीय न्यायमूर्ति सर आशुतोष मुखर्जी की अध्यक्षता में एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन किया गया। तब से भारतीय विज्ञान कांग्रेस नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। ठीक है, इसमें केवल एक कथन आपका सही था। क्वेश्चन है 25, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में एरिया ARIA समाचारों में था, यह संबंधित था किससे? तो याद रखना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने भू आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए एक अमेरिकी कानून है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके IAS PCS प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे ले आएंगे। ठीक है, उन्हें भी देखेंगे।